चलिए आपको सीधे जींद लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। शनिवार की छुट्टी है, आगे रविवार है, छुट्टी है। 1 तारीख को वोटिंग है, छुट्टी है। 2 तारीख को गांधी जयंती है, छुट्टी है, कि कहीं वोट के ऊपर फर्क ना पड़े। लोग अपना कार्यक्रम बना लेते हैं बाहर घूमने का, ये चिंता अगर किसी ने की, ये मोहनलाल कौशिक जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने की, कि ये लोकतंत्र, ये स्वस्थ लोकतंत्र होना चाहिए और लोग ज्यादा संख्या के अंदर अपना वोट दे सके। और ये चिंता करते हुए इन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिख दिया। भाइयों, इन्होंने तो चिंता की लोकतंत्र की, और उसने कहने लगे कहा चुनाव से डरे हुए हैं। अरे हुड्डा साहब, ये भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी अरे डरती नहीं है। हम तो रात के समय में भी चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। ये हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई कहीं वोट के ऊपर असर ना पड़ जाए। हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो जाकर के अपना वोट पोल करे। और मैं अपील भी करूंगा, मैं धन्यवाद भी दूंगा, मैं आदरणीय चुनाव आयोग को, मैं आज इस सभा के माध्यम से उनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष की बात को माना, जो सोच मोहनलाल जी की थी कि हमने भाइयों इस स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर ज्यादा वोट होनी चाहिए, उसके लिए काम करना। भाइयों, सभी हम ये वोट भी पोल करने और करवाने का काम करें। भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने ये इस प्रकार जो बात कही है, ये लोग झूठ बोलने का काम करते हैं, कांग्रेस के लोग। और भाइयों, झूठ तो बोलते ही हैं, परंतु झूठ बोल करके लोगों का शोषण भी एक कांग्रेस के लोग करते हैं। भाइयों, आजकल ये पिछले लंबे समय से भाइयों हिसाब मांगने के लिए हरियाणा के अंदर निकले हुए थे। मैं एक दिन पिंजौर में, भाइयों हमारे एशिया की सबसे बड़ी एप्पल मंडी, उसका उद्घाटन करने के लिए गया था। और जब मैं उद्घाटन करके लोगों के बीच में, किसानों के बीच में मैं बात रख रहा था, तो मैंने हुड्डा साहब से, कांग्रेस के नेताओं से कहा, मैंने कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए थे, परंतु मैं भी देख रहा था कि भाई क्वेश्चन तो जो भी मेरे ध्यान में आता था, ये भी पूछ ले, ये भी पूछ ले, लिस्ट बड़ी लंबी बन रही थी। परंतु मैंने सोचा भी भाई ज्यादा ना पूछे, कभी याद ना रहे, मैंने 15 क्वेश्चन पूछ लिए उस दिन वहां पर। भाइयों, 15 क्वेश्चन पूछे, आज तक उसका जवाब नहीं आया। मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा कि हुड्डा साहब, अगर आप 15 क्वेश्चनों का उत्तर नहीं दे सकते, तो मेरे 5 क्वेश्चनों का उत्तर तो दे दो, कुछ तो दे दो, जिसका मुझे भी पता चल जाए कि मैं हरियाणा के लोग आपके शासन को किस प्रकार से देखते हैं। भाइयों, परंतु उसका भी कोई जवाब नहीं आया है। मुझे खुशी है, हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में, ये डबल इंजन की सरकार ने भाइयों गरीब, गांव, महिला, युवा की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरने का काम ये पिछले 10 वर्षों के अंदर ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर पहली बार भाइयों बिना भेदभाव, बिना क्षेत्रवाद के हरियाणा प्रदेश का एक गति से विकास करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि जो लोग ये हिसाब मांग रहे हैं, मैं उनको तो नहीं बताना चाहता, मैं अपनी
जींद की सरदारी के बीच में आया हूं। मैं अपनी सरदारी को जरूर बताना चाहूंगा कि हमने क्या क्या काम ये पिछले समय के अंदर किए हैं। भाइयों, मैंने 12 मार्च को जो शपथ लिया था और 12 मार्च को शपथ लेकर के 13 मार्च को आपके भाई बेटे ने विश्वास मत हासिल किया था और 12 मार्च से लेकर के ये 8 अक्टूबर तक भाइयों ये 182 दिन बनते हैं और 182 दिनों के अंदर अगर हम देखें 128 दिन भाइयों आचार संहिता वो लगी हुई है और आगे भी लग रही है। परंतु इस बीच के अंदर जो हमें समय मिला मात्र 56 दिन का समय मिला और 56 दिन हमने हरियाणा के दूर दराज बैठे हुए ऐतिहासिक निर्णय लेकर के हमने काम किया है। भाइयों, हुड्डा साहब तो 10 सालों का हिसाब मांग रहे हैं। मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप 10 सालों का अगर हिसाब मांगेंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। मैं आपको 56 दिन का हिसाब दे रहा हूं, आप मेरे 56 दिन के हिसाब के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देना हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। भाइयों, मैंने 13 मार्च को विश्वास मत हासिल किया, 16 मार्च को कोड ऑफ कंडक्ट लगा, 6 जून को खत्म हुआ और हमने सबसे पहले निर्णय किया कि जो हमारे गरीब व्यक्ति हैं जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है